Hello students, it's grade 4 block 10. 2D shapes. It's block 10 in grade 4. In your maths textbook on page number 46, 2D shapes, the topic is given. So what is 2D shapes? Identifying 2D shapes. 2D shapes are flat shapes. They have length and breadth but no height. Let us look at some 2D shapes. See, in this figure, I have also drawn some figure, and in your textbook, see this figure. It's a square, rectangle, triangle, pentagon, and circle. If we see the sides of each 2D shape, we can see that a square, rectangle, triangle, and pentagon are made of straight line segments. A circle is made of curved line segment. अब सर्कल की स्ट्रेट लाइन नहीं है, 2D शेप्स को स्ट्रेट लाइन होती है. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है आपको पेज नंबर 46 पर, कलर द शेप्स दैट हैव स्ट्रेट लाइंस. तो जिसको स्ट्रेट लाइन है उसको आपको कलर करना है. आप कलर करेंगे स्क्वायर को, ट्रायंगल को, रेक्टेंगल को और पेंटागन को. सर्कल को आप कलर नहीं करेंगे बिकॉज इट हैज कर्व्ड लाइंस. देन सेकंड क्वेश्चन, टिक द शेप दैट हैज कर्व्ड साइड्स. रेक्टेंगल की स्ट्रेट लाइन होती है, स्क्वायर की स्ट्रेट लाइन होती है, ट्रायंगल की स्ट्रेट लाइन होती है और पेंटागन की स्ट्रेट लाइन होती है. सर्कल की ही सिर्फ कर्व्ड लाइन होती है, तो इससे सर्कल को ही टिक करना है. देन ऑन पेज नंबर 47 वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ 2D शेप्स. प्रॉपर्टीज, properties of 2D shapes. Here I have written properties of 2D shapes. This I have drawn here, a square ABCD, a rectangle ABCD and a circle with point O. Now each 2D shape has its own set of properties. The straight line segments that form the shape is known as its sides. So this is the side. This line is known as side of that shape. This is a side. Then the point where two sides meet is known as its corner. This is the corner. This is the corner. And the line that joins opposite corners of the shape, अब ये opposite corners जो line join करती है उसे कहते हैं उसके diagonal. So these are diagonals P and Q, S, R. Segment PQ is the diagonal. Diagonal of that triangle. तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि स्क्वायर में, यहाँ पर इस फिगर में कौन से डायगोनल्स हैं, कौन से साइड्स हैं और कौन से कॉर्नर हैं. तो ये कॉर्नर सी है, कॉर्नर डी है, कॉर्नर बी है और कॉर्नर ए है. और बी डी साइड्स है इसके, डायगोनल्स सी बी एंड ए डी. अब इस रेक्टेंगल फिगर में हमें कॉर्नर्स हैं, यही ये कॉर्नर्स हैं
these are diagonals AD and CB, and this CD, DB, BA, AC are sides. Ab circle mein no straight lines, no corners and no diagonals. तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज है 2D शेप्स की. अब आपके टेक्स्ट बुक में ऑन पेज नंबर 47 देयर आर क्वेश्चंस, ऑब्जर्व द शेप्स यू हैव मेड एंड आंसर ट्रू और फॉल्स. सो ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर की सभी साइड्स सेम होती हैं, तो इट इज ट्रू. देन All sides of a rectangle are equal. Rectangle की सभी sides same है. It is false. Then all sides of a square and rectangle are straight. सब sides straight है rectangle की और square की. It is true. तो इस तरीके से हमने ये exercise solve कर ली है. हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे. तो यहाँ पर दिया है पेज नंबर 48 पर ट्रायंगल एंड पेंटागन. तो हम जानेंगे इसके बारे में, ट्रायंगल और पेंटागन के बारे में. वी हैव लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल. दिस इज अ ट्रायंगल एंड दिस इज ट्रायंगल ए बी सी. और यहाँ पर रेक्टेंगल है ए बी सी डी ई, और इसके डायगोनल्स हम बनाएंगे जो अपोजिट साइड कॉर्नर्स को जॉइन करते हैं. इस तरीके से हमने डायगोनल्स बनाए इसके. अब यहाँ पर कॉर्नर्स हैं इसके और बीसी साइड है, एसी साइड है, एबी साइड है, और पेंटागन की एबी बीसी सीडी डीई ये साइड्स हैं और ये डायगोनल्स हैं. तो इस तरीके से हमने ये दोनों फिगर्स देखी हैं, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड दिस इज पेंटागन. पेंटागन का मतलब होता है जिसे पांच कॉर्नर्स हैं, फाइव कॉर्नर्स, और ट्रायंगल जिसे तीन कॉर्नर्स हैं उसे कहते हैं ट्रायंगल्स. और पेंटागन मीन्स जिसको पांच कॉर्नर है, फाइव कॉर्नर्स. तो आपको क्वेश्चन है पेज नंबर 48 पर, ट्रू और फॉल्स, ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. नो, ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल है सभी साइड्स. नो, इट्स फॉल्स, इक्वल नहीं है. All sides of a pentagon are not straight. All sides of pentagon are not straight. Straight नहीं है सभी sides, तो ये भी false है. Straight है सभी sides, straight है. तो हमें आपको आपके नोटबुक में ट्रायंगल ड्रॉ करना है, पेंटागन ड्रॉ करना है, और उसको ऐसे नेम्स भी देने हैं. ठीक है.